आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। करीब 4 महीने बाद काशी आए प्रधानमंत्री ने वाराणसी को कई तोहफे दिए। पीएम ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। मोदी बनारस आए, सौगात लाए। अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन। कन्वेंशन सेंटर में शिक्षा का समागम। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे। यहां वो सबसे पहले एलटी कॉलेज पहुंचे और अक्षय पात्र मेगा किचन का शुभारंभ किया। इस किचन में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का दौरा किया और घंटे भर में हजारों बच्चों का भोजन बनाने वाली मशीनों के बारे में जानकारियां ली। इस दौरान पीएम मोदी ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों से बातचीत की। स्कूलों में मिड डे मील, क्लासेस और सुविधाएं कैसी हैं, इसकी भी जानकारी। पीएम मोदी के सामने बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिससे पीएम भाव विभोर नजर आए। एलटी कॉलेज परिसर में महिषासुर मर्दिनी गीत की प्रस्तुति हुई। वाद्य यंत्रों के साथ शिव तांडव स्त्रोत भी सुनाया गया। इस दौरान एक छात्रा ने पीएम मोदी पर लिखी एक कविता भी सुनाई। कि तू बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। मोदी ने कहा कि आप मेरे लिए क्या तैयार किए, तो हम उनके लिए सिर्फ तांडव तैयार किए थे। और बोले बोले कि क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, तो हम लोग बोले हाँ। अगर आपको पौष्टिक भोजन मिलता है, तो हम लोग कहे हाँ क्या मत। वाराणसी में 62वें अक्षय पात्र किचन, जिसकी क्षमता 1,00,000 बच्चों को एक साथ खाना खिलाने की है, उसका उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंचे, जहां पीएम के पहुंचने से पहले ही कुर्सियां भरी हुई थी। पूरा सेंटर पीएम मोदी के होर्डिंग और बीजेपी के बैनर पोस्टर से सजा था। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बीएचयू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूजीसी चेयरमैन और देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। पीएम ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ये आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है, जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मोक्ष का ज्ञान और काशी से क्या नाता है, ये भी समझाया। विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। शिक्षा समागम में पीएम ने नई शिक्षा नीति की खासियत बताई। उन्होंने कहा कि नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलने वाले शिक्षा समागम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर के शिक्षाविद और एक्सपर्ट पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने समागम का उद्घाटन करने के बाद शिक्षाविदों से बात की। काशी दौरे के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी सिग्रा स्टेडियम पहुंचे। यहां पहले फेज में तैयार होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अलग से मॉडल रखा गया है। साथ ही एक बड़े मॉडल में पूरा स्टेडियम नए रूप में नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने मॉडल का मुआयना किया। पीएम मोदी ने सिग्रा स्टेडियम में करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशी को दी।
काशी को तोहफे के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने काशी में अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। हर हर महादेव। पीएम ने यूपी विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत दिलाने के लिए काशी की धरती से यूपी की जनता का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ के छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।